अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वकील अख्तर है और मैं आपके लिए एक और नई ट्रेनिंग वीडियो लेके आया हूँ HSC से रिलेटेड, कन्फाइंड स्पेस एंट्री। सबसे इम्पोर्टेंट और आप कह सकते हैं कि पॉपुलर ये कोर्स है, वन डे ट्रेनिंग है। आप हमारे दर से ये ट्रेनिंग ले सकते हैं और ये मैं आपको बता दूँ, ये ट्रेनिंग सबसे बेहतरीन है अगर आप ऑयल एंड गैस में जॉब करना चाहते हैं। तो इस ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए किसी किस्म का, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो के एंड पे भी आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए और मेरी पूरी वीडियो देखिए और इसको प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। आज जो कोर्स हम स्टार्ट करेंगे वो है कन्फाइंड स्पेस अवेयरनेस का या कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी का। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराना जरूरी समझूंगा। मेरा नाम तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर ऑफ आयोश हूँ, लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है मैंने ब्रिटिश सेफ्टी कोर्सेज से। निबोश और आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ। 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस में एज ए HSC प्रोफेशनल। इस कोर्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, टाइप्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस क्या है, किस किस्म की कन्फाइंड स्पेस होती है, एग्जाम्पल देंगे कन्फाइंड स्पेस की, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, रीज़न फॉर एंट्रिंग आ कन्फाइंड स्पेस क्या है, इसकी रीज़न है कन्फाइंड स्पेस में एंटर होने की, परमिट्स के बारे में देखेंगे, कन्फाइंड स्पेस के एंट्री परमिट कैसे मिलता है, इसका क्या फंक्शन होता है ये देखेंगे, कन्फाइंड स्पेस इनिशियल ऑपरेशन, कन्फाइंड स्पेस रिकॉर्ड कीपिंग और परमिट रिक्वायर्ड फॉर कन्फाइंड स्पेस, ये हम इस कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यूज, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में, SCBA यूनिट्स, SCBA वेरियर रिक्वायरमेंट्स, रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन और लेट्स टेक अ लुक ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, डिफाइनिंग रिस्पॉन्स टाइम, रोल्स, फेलियर और असाइनमेंट। कन्फाइंड स्पेस से हमें रेस्क्यू कैसे करना है अगर इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कौन कौन से हमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे इसके लिए जो हम पहन के उसके अंदर जा सकते हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस के बारे में हम लोग, ये कैसे होते हैं और इसको पहना कैसे जाता है, और अदर रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन हम लोग देखेंगे और रिस्पॉन्स टाइम देखेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या है रेस्क्यू टीम का, ठीक है, और किस किस को कौन कौन सी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और इन केस अगर फेलियर होता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और आखिर में हम लोग असाइनमेंट देखेंगे। A confined space that contain or has potential to contain a hazardous atmosphere. Confined space के अंदर आपको नुकसान पहुंचाने वाली एटमोसफेयर होती है, माहौल होता है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, और has the potential for engulfment, आपको दम घुटने के लिए उसके अंदर काफ़ी ताकत होती है, और एज एन इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन डेट कुड ट्रैप और एस्फिक्साइट, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आप ट्रैप हो जाए और आपका दम घुट जाए, और कंटेन्स एनी अदर रिकनाइज सीरियस सेफ्टी और हेल्थ हैजर्ड, और उसके अंदर काफ़ी आपके सेफ्टी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड खतरे होते हैं। कन्फाइंड स्पेस की जो टाइप्स होती हैं, किस किस्म की होती है, टनल्स है आपके सामने पिक्चर, वेल्थ की, मैन होल, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, शिप होल्ड हो सकते हैं, सब सेलर हो सकते हैं, टैंक्स हो सकते हैं, कलवर्ट्स हो सकते हैं, सिलोस हो सकते हैं, वोल्ट्स हो सकते हैं, ओपन डिच हो सकती है, ये आपके पास पिक्चर्स के साथ आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एग्जाम्पल जी, टैंक्स, पिट्स, टनल, वॉल्ट्स, बॉयलर्स, सीवर्स,
सीवर्स, शेफ्ट्स, वेंटिलेशन डक्ट, क्रॉल स्पेसेस, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसकी, कन्फाइंड स्पेस की। इसकी डेफिनेशन के बारे में हम देखते हैं, क्वालिफाइड पर्सन वो क्या कहते हैं जी, अ पर्सन designated by the employer in writing as being trained in the area of confined space. Qualified person जो है वो बंदा है जो कि इसको लिखे और confined space के अंदर जाने के लिए trained हो। Attended कौन होगा? A trained person who is stationed outside the confined space, who monitors authorized entrant working in the confined space. एक ट्रेंड बंदा जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो नहीं जाता लेकिन वो मॉनिटर करता है, ठीक है, कि कौन कौन बंदा जा रहा है, वो उसकी उनकी अटेंडेंस लगाता है। ऑथराइज एंट्रेंट पर्सन डूइंग द वर्क इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस, वो बंदा जो अंदर जाने के लिए ऑथराइज होता है, यानी कि वो अंदर जाकर काम करेगा, उसको आप ऑथराइज एंट्रेंट कहेंगे। एंट्री सुपरवाइजर पर्सन हु वेरीफाइड एंड आर रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री हैव बीन मेट एंड ओवरसीज द ऑपरेशन। सुपरवाइजर ने क्या करना है, उसने सारी चीज़ें देखनी है कि ये कंट्रोल मैयर के मुताबिक सारे का सारा काम हो रहा है, उसे कंट्रोल मैयर लगे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, जो बंदा अंदर जा रहा है वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा कन्फाइंड स्पेस के साथ। रीजन क्या होती है अंदर जाने की, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, रेस्क्यू। अंदर कुछ सफाई वगैरह करवानी हो या इंस्पेक्शन करनी हो या किसी चीज़ की मेंटेनेंस करनी होती है कन्फाइंड स्पेस की, या ट्रेनिंग के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह देनी हो या रेस्क्यू के लिए जाना पड़ सकता है। कन्फाइंड स्पेस का परमिट कैसे, कंटेन्स रिक्वायरमेंट फॉर प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम द हैजर्ड ऑफ एंट्री इनटू परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस। आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है प्रोसीजर्स के मुताबिक और प्रैक्टिस के मुताबिक, कि ताकि आपका जो एम्प्लॉय अंदर जा रहा है उसको हैजर्ड्स के बारे में मालूम सारी होनी चाहिए, वो उससे बच जाए जो उसके अंदर हैजर्ड खतरे हैं। रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्री एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड शिपयार्ड। परमिट चाहिए होता है हर इंडस्ट्री में चाहिए होता है, सिवाय एग्रीकल्चर के या कंस्ट्रक्शन के या शिपयार्ड के। एंट्री परमिट में क्या होता है जी, परमिट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर एंट्री इज ऑथराइज्ड। आपने अंदर जाने से पहले इसको परमिट को कंप्लीट करना है। एंट्री सुपरवाइजर मस्ट साइन द परमिट, सुपरवाइजर ने इसको साइन करना है, ये लाजमी है परमिट को। परमिट मस्ट बी मेड अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एंट्री। परमिट जो है वो आपके पास होना चाहिए जब आपने कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाना है। So entrants can confirm that pre-entry preparation have been completed. और जो जिसने अंदर जाना है confined space के, वो इस चीज को चेक करे कि हर चीज कंप्लीट है। confined space initial operation, active response plan, क्या आज operation में होगा, initial operation में के response plan देखना आपने, activate द इंसीडेंट कमांड सिस्टम इन केस ऑफ इंसीडेंट, क्या क्या आपने उसके प्रोसीजर लेने हैं, प्रिवेंट अनऑथराइज पर्सन फ्रॉम एंटरिंग द साइट, वो लोग जिनको अथॉरिटी नहीं है अंदर जाने की उनसे आपको बचाना है ताकि वो अंदर ना चले जाए उसके। प्रिवेंट अनऑथराइज सेटअप कंट्रोल जोन एज इन हैज मैट, आपने उस एरिया को कंट्रोल कर लेना है, बैरिकेड कर देना है ताकि कोई भी बंदा उधर जान सके। रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग मस्ट बी मेंटेन, आपने रिकॉर्ड जो ट्रेनिंग है जिस बंदे ने ट्रेनिंग ली है उसको आपने मेंटेन रखना, ताकि आपको पता होना चाहिए कितने बंदे आपके ट्रेंड हैं और कितने बंदों को ट्रेनिंग चाहिए। परमिट्स मस्ट बी मेंटेन, जो परमिट बनाने हैं उनको मेंटेन रखना आपने। इंसीडेंट रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन, जो इंसीडेंट हो चुके हैं उनको आपने मेंटेन रखना ताकि नेक्स्ट ना हो सके। मेडिकल सर्वेलेंस मीटिंग ओशा स्टैंडर्ड, आपने मेडिकल टेस्ट ले लेना है ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज का, ताकि आपको पता हो कि इनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। इक्विपमेंट
इक्विपमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड, इक्विपमेंट का रिकॉर्ड जो है मेंटेनेंस का वो होना चाहिए। रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट फॉर द मिनिमम ऑफ वन ईयर, रिकॉर्ड जो है वो कम से कम एक साल के लिए होना चाहिए। एक्सपोजर रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट फॉर 40 ईयर्स और 30 ईयर्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन। जो एक्सपोजर रिकॉर्ड है वो भी कम से कम आपने 40 साल और 30 साल का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के बाद भी रखना है। परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस क्या है, लार्ज इनफ फॉर एम्प्लॉय टू बॉडीली एंटर एंड परफॉर्म वर्क। आपके एम्प्लॉय ने अपनी बॉडी को अंदर करना है कन्फाइंड स्पेस के लिए और परफॉर्म करना है काम। एंड हैज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और एग्जिट। लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, अंदर जाने के लिए लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और बाहर निकलने का। एंड इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूस एम्प्लॉय ऑक्यूपेंसी, और ये ऐसा डिजाइन होता है कि आप लगातार काम वहां नहीं कर सकते, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए काम कर सकते हैं आप। टाइप ऑफ परमिट कन्फाइंड स्पेस, टाइप परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, अ कन्फाइंड स्पेस दैट हैज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। परमिट क्यों रिक्वायर होता है, इन कंडीशन की वजह से होता है। कंटेन्स और हैज पोटेंशियल टू कंटेन अ हैजर्डस एटमॉस्फेयर, अगर उस एरिया के अंदर काफी हैजर्डस है, खतरे हैं, वो माहौल ही खतरे का है, तो उसके लिए आपको परमिट की जरूरत है। कंटेन्स अ मटीरियल दैट हैज पोटेंशियल और इनगल्फिंग एन एंट्रेंट, और इसके अंदर मटीरियल ऐसा है कि जो कि आपके एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचा सकता है। Has an internal configuration such as internet could be trapped or asphyxiated by inwardly converging walls or a floor which slopes or tapers to a smaller cross section. उस confined space के अंदर आपका employee का दम घुट सकता है या वो trap हो सकता है किसी वजह से, ठीक है, या wall गिर सकती है, ठीक है, या स्लोप के ट्रैप में आ सकता है वो, इसलिए उसके परमिट की जरूरत है। कंटेन्स अदर सीरियस रिकॉग्नाइजेबल हैजर्ड, और हो सकता है कोई और भी हैजर्ड उसके अंदर हो। नॉन परमानेंट कन्फाइंड स्पेस, कौन सी ऐसी नॉन परमानेंट कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं, स्पेस दैट डज नॉट कंटेन और विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स हैव द पोटेंशियल टू कंटेन एनी हैजर्ड कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन सीरियस फिजिकल हार्म और डेथ। ऐसी स्पेस जिसमें कोई खतरा ना हो और इसमें नुकसान पहुंचाने, चोट लगने का खतरा ना हो या उसको हेल्थ में कोई इशू ना हो, उसको आप नॉन परमिट कन्फाइंड स्पेस कहेंगे। स्टैंडर्ड क्या है जी, 29 CFR 1910.146 परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, ये स्टैंडर्ड इसका। हैजर्ड्स क्या क्या कन्फाइंड स्पेस के, एटमॉस्फेरिक माहौल, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, मैकेनिकल हैजर्ड हो सकते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, थर्मल हो सकते हैं, नॉइस हो सकती है इसमें, ज्यादा वाइब्रेशन वगैरह हो सकती है, इनगल्फमेंट और इंट्रैपमेंट हो सकती है। कन्फाइंड स्पेस फेटल एक्सीडेंट्स कितने, 35 सुपरवाइजर और हायर, 35% सुपरवाइजर को एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनकी उनकी मौत वाकई हो गई है। 64% डिड नॉट नीड टू एंटर, 64% वो लोग थे जिनको जरूरत नहीं थी अंदर जाने की। 66% वाटर वेस्ट वाटर सेवर कंस्ट्रक्शन, सेवरेज में या वेस्ट वाटर में या वाटर में कंस्ट्रक्शन फील्ड में 66% हो चुकी है। 78% ऑक्सीजन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन की कमी की वजह से 78% हो चुकी है। 95 नॉन कन्फाइंड स्पेस एंड ट्रेनिंग, नो कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग, 95% वो लोग हैं जिनको ट्रेनिंग ही नहीं थी, और 100% नो पावर वेंटिलेशन, और 100% वो लोग हैं जिनके वेंटिलेशन ही नहीं थी उस कन्फाइंड स्पेस में। 100% नो इंस्ट्रूमेंट एट साइट टू मेजर हैजर्डस एटमॉस्फेयर, और 100% वो लोग हैं जिनको जिन्होंने मेजर ही नहीं कर सके कि इस नीचे कौन कौन सी गैसेज हैं, वो मसले हैं। फैटल एक्सीडेंट्स ड्यू टू रेस्क्यू अटेम्प्ट्स इज हाई, जो फटाल एक्सीडेंट है वो रेस्क्यू की वजह से
ज्यादा होते हैं। एटमोसफियर हैजिट्स कौन कौन से होते हैं जी? ऑक्सीजन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन इनरिच्ड, या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा भी हो सकती है। फ्लेमेबल एटमोसफियर, जिसके आग लेने का खतरा होता है। टॉक्सिक एटमोसफियर, जो जानलेवा होता है। क्रोसिव एटमोसफियर, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सांस में मसला आ जाता है, इरिटेशन होती है। एज एग्जाइटिंग एटमोसफियर, दम घुटने की वजह से हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल जो है 90.5 तक होना चाहिए उसका, और मैक्सिमम उसका जो है 23 तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो भी मौत वाकई हो जाती है, और इससे कम हो 90.5 से फिर भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। फ्लेमेबल एटमोसफियर, टॉक्सिक एटमोसफियर और क्रोसिव एटमोसफियर। फ्लेमेबल एटमोसफियर में क्या होता है? कंटेन्स फ्लेमेबल गैस, वेपर और डस्ट विच कैन इग्नाइट, जिसमें आग लगने वाली गैसेस होती है, या वेपर हो सकती है, या डस्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आग बढ़ सकती है। टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस होती हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, H2S हो गई, जिसकी वजह से मौत वाकई हो सकती है। कोरोसिव एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है, या नर्वस सिस्टम आपका ब्रेक डाउन हो सकता है, या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। फिजिकल कॉन्फिगरेशन में क्या आएगा? वेट और स्लिपी सर्फेस, अनइवन बॉटम्स, बेंड्स इन टनल, नैरो एरियाज दैट कैन इंट्रैप वर्कर्स, पुअर लाइटिंग, पोर लाइटिंग हो सकती है, फ्लोर जो स्लिपरी हो सकता है, वेटी हो सकता है, उसके बॉटम्स जो है वो अनइवन हो सकते हैं, ठीक है। टनल अगर है तो उस बैंड उसमें काफ़ी ज़्यादा है और जगह बहुत कम है उसको, ठीक है, बंदा ट्रैप हो गया वहाँ, फंस गया। मैकेनिकल क्या क्या है जी? पैडल्स, ब्लेड्स, शाफ्ट, चैन और बेल्ट ड्राइव्स। पैडल हो सकते हैं, ब्लेड हो सकते हैं जिसकी वजह से कट वगैरह लग सकता है, चेन वगैरह है जिसकी वजह से ट्रैप हो सकता है। ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी लॉक्ड एंड टैग्ड बिफोर एंट्री, सारे इक्विपमेंट्स को आपने लॉक करना है और टैग लगाना है। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स कौन कौन से? ब्रोकन लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल सेंसिंग डिवाइसेस, लिमिट स्विचेस, लेवल इंडिकेटिंग डिवाइसेस, हैजर्ड्स फ्रॉम इक्विपमेंट टेकन इनसाइड। हैजर्ड्स में क्या? ब्रोकन लाइटिंग, लाइट ब्रोक हो चुकी है, इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस जो है उनमें मसला आ गया, स्विचेस की लिमिट जो है वो हो सकता है प्रॉब्लम कर दे, डिवाइसेस का लेवल जो है वो इंडिकेट कर सकता है, और इक्विपमेंट से हैजर्ड निकल सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है? जल सकता है, हीट स्ट्रेस वगैरह भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर से। इनगुल्फमेंट हैजर्ड्स क्या होता है? द इंट्रैपमेंट ऑफ पर्सन बाय कंटेंट्स ऑफ स्पेस, स्पेस की कमी की वजह से बंदा ट्रैप हो जाए, ठीक है। कंप्लीटली एम्प्टी द कंटेंट्स बिफोर एंट्री, आपने तकरीबन आपने पूरी स्पेस रखनी है, उसको देखना स्पेस होनी चाहिए एंट्री से पहले। नॉइस हैजर्ड्स, शोर शराबा ज़्यादा होता है उसके अंदर, एलिमिनेट नॉइस सोर्स प्रायर टू एंट्री, पहले आपने उसको एलिमिनेट करना है शोर को, या आप कोई हेडफोन वगैरह कोई चीज़ें वगैरह लगा के जाए ये प्रोटेक्शन के लिए। वाइब्रेशन हैजर्ड्स, वाइब्रेशन कैन कॉज डैमेज टू बॉडी, वाइब्रेशन जो है वो बॉडी को डैमेज कर सकती है, तो आपने एलिमिनेट करना है वाइब्रेशन को एंट्री से पहले। यूज वाइब्रेशन डैमिंग टूल्स एंड ग्लव्स, ग्लव्स और आपने अदर जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करना। एटमॉस्फेयर को टेस्ट कैसे करते हैं? वेरीफाइंग प्रेजेंस ऑफ सेफ वर्क एटमॉस्फेयर, पहले तो आपने ये एटमॉस्फेयर को अपने वर्क प्लेस पे वेरीफाई करना है, उसको टेस्ट करना है। कैसे? कैलिब्रेट एयर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट बिफोर यूज, पहले तो जो आपके पास जो डिवाइस होगी ना उसको गैस डिटेक्टर वाली, वो आपने कैलिब्रेट करवानी है, फिर उसको आपने टेस्ट करना है कन्फाइंड स्पेस पे जाके, टॉप पे भी देखना,
मिडिल में भी देखना है और बॉटम में भी देखना है। फिर आपने एक्सप्लोजिव और टॉक्सिक गैसेस को चेक करना है, फिर ऑक्सीजन का लेवल चेक करना, फिर आपने रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। कंसीडर बेस्ट ऑफ एग्जॉस्ट और सप्लाई और बोथ। कंसीडर बेस्ट ऑफ एग्जॉस्ट और सप्लाई और बोथ। एग्जॉस्ट सिस्टम लगा दें, ठीक है, या सप्लाई दें किसी चीज़ की, जिसकी वजह से वो आपके जो अंदर की जो भी एटमॉस्फेयर है उसको क्लीन कर दें, या दोनों चीज़ें करें। प्रोवाइड वर्क जोन एग्जॉस्ट इफ वेल्डिंग, अगर वेल्डिंग का काम करना है तो आपको एग्जॉस्ट सिस्टम लगाना पड़ेगा कन्फाइंड स्पेस में। प्लान वेंटिलेशन सप्लाई एंड एग्जॉस्ट पाथ्स, आपने वेंटिलेशन सप्लाई देनी है उसको, ठीक है, एग्जॉस्ट और एग्जॉस्ट पाथ भी देना है। इंश्योर नो रीसर्कुलेशन ऑफ एयर सप्लाई, ये ना हो कि जो एयर सप्लाई है वो दोबारा वहां से टकरा के वापस आ रही हो, ये चेक करना अपने जैसा ना हो। यूज कॉन्टिन्यूस वेंटिलेशन, आपने वेंटिलेशन सिस्टम को आपने इस्तेमाल करना है। रीटेस्ट द कन्फाइंड स्पेस बिफोर एंड ड्यूरिंग एंट्री, आपने कन्फाइंड स्पेस को टेस्ट करना है पहले भी और अंदर जाने से। सेफ्टी क्या है, ये ऑल एंट्रेंस सुपरवाइजर एंड एंट्री अटेंडेंट्स मस्ट बी फुली क्वालिफाइड ट्रेन, जो बंदा अंदर जाता है, जो सुपरवाइजर है और जो उसकी अटेंडेंस लगाता है, वो सारे के सारे ट्रेंड होने चाहिए और क्वालिफाइड होने चाहिए। डू नॉट एंटर इनटू कन्फाइंड स्पेस इफ नॉट अथराइज टू डू इट, अगर आप अथराइज नहीं है तो आपको अंदर जाना नहीं चाहिए और आपको मना करना चाहिए। सम कन्फाइंड स्पेसेस रिक्वायर एन एंट्रेंस परमिट, और कुछ कन्फाइंड स्पेस ऐसे होते हैं जिनके लिए एंट्रेंस परमिट लाजमी होता है। All confined spaces should be treated virtually the same at the beginning. सारे confined spaces को treatment की ज़रूरत होती है इस्तेमाल करने से पहले। Assumption can be and are often times fatal. और ये आपने अंदाज़ा लगाना है कि सिर्फ मौत वाक़ हो सकती है। No gas cylinder inside a confined space. Confined space के अंदर आपने gas cylinder लेके जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। Assume that the most unfavorable situation exists in every case until proven otherwise. आपने ये अज्यूम कर लेना है कि बुरे से बुरा वाकया अंदर हो सकता है कन्फाइंड स्पेस का, तो आपके लिए कंट्रोल मेजर लगाना आसान हो जाएगा। If involved in confined space operation, follow all provisions of the company's written confined space program. अगर आप कन्फाइंड स्पेस के साथ इन्वॉल्व हैं तो आपने सारे के सारे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। ओपन ऑल मैन होल फॉर वेंटिलेशन, पहले आपने जितने भी मैन होल हैं उनको ओपन कर लेना है वेंटिलेशन के लिए, ताकि वेंटिलेशन अच्छे तरीके से हो जाए। ऑल कन्फाइंड स्पेस एटमॉस्फेयर मस्ट बी कंसीडर्ड डेंजरस अंटिल इट कैन बी वेरीफाइड अदरवाइज, सारे कन्फाइंड स्पेस के एटमॉस्फेयर को आपने खुद ही अंदाजा लगाना है कि ये डेंजरस है, जब तक आप वेरीफाई नहीं कर सकते उससे। लेस देन 19.5 ऑक्सीजन कैन किल, अगर 19.5 से ऑक्सीजन नीचे चली गई तो आपको मौत वाकई हो सकती है। कन्फाइंड स्पेस में कंटेन गैसेस दैट विल एक्सप्लोड और किल यू, कन्फाइंड स्पेस में बहुत सारी गैसें हैं जो कि आपको मार सकती हैं और एक्सप्लोजन हो सकता है उसका, धमाका हो सकता है। और एन अटेंडेंट शुड बी ऑलवेज ऑन ड्यूटी व्हेन एन एम्प्लॉई इज इनसाइड ए वर्क प्लेस, एक अटेंडेंट लाजमी बाहर होना चाहिए जब कोई कन्फाइंड स्पेस के अंदर गया हुआ काम करने के लिए। आस्क योर सुपरवाइजर अबाउट कन्फाइंड स्पेस एट योर प्लांट, और अपने सुपरवाइजर से आपने पूछना है कन्फाइंड स्पेस के मुताबिक। ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ऑक्सीजन एलईएल और टॉक्सिक गैसेस, ऑक्सीजन चेक करनी है, एलईएल चेक करना है, लोअर एक्सपोजर लिमिट और टॉक्सिक गैसेस आपने देखनी है। मॉनिटर शैल बी फोर गैसेस, किन चीजों को मॉनिटर करना है आपने, ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक करना है, हाइड्रोजन सल्फाइड को चेक करना है, और चौथी चीज है लोअर एक्सपोजर लिमिट को आपने चेक करना है। चार चीजें आपके पास चेक करनी होनी चाहिए लाजमी, उसके लिए मॉनिटर होता है, गैस डिटेक्टर होता है, वो लाजमी होना चाहिए। मॉनिटरिंग शुड बी कंडक्टेड एट द पोर्टल lower than space levels are read, always use two monitors. Monitors small होने चाहिए, दो होने चाहिए, अगर एक में problem भी आती है दूसरा तक काम करेगा। आपने वहाँ खड़े होकर काम करना, अंदर भी लेके जाना है इसको, चेक करना किस तरीके से इसको यहाँ काम करना सेफ है या नहीं।
कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यूज, कन्फाइंड स्पेस को रेस्क्यू कैसे करना, पर्सनल प्रोटेक्टिव सेफ्टी इक्विपमेंट, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं इसके लिए, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपैरेटस चाहिए एंड सप्लाइड एयर यूनिट्स चाहिए इसके लिए, फुल बॉडी हार्नेस चाहिए इसके लिए, टूल्स होने चाहिए और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होने चाहिए इसके लिए। पीपीई में क्या होगा, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट में प्रॉपर फिट, जो भी आपने वो पहना वो फिट होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्लीनिंग और मेंटेनेंस उसकी चेक करनी है आपने, इन केस ऑफ अगर वो सही नहीं है तो रिप्लेसमेंट होनी चाहिए उसकी, प्रॉपर यूज होना चाहिए उसका, विल नॉट इंटरफेयर द मूवमेंट विद इन स्पेस, आपने उसको अंदर जाके ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, इम्प्लाइड ट्रेनिंग और ट्रेनिंग चाहिए होगी इसके लिए। अदर फॉर्म्स ऑफ पीपल अदर फॉर्म्स ऑफ पीपीई कैन इंक्लूड हार्ड हैट्स, सेफ्टी ग्लासेस, क्लॉथिंग दैट प्रोटेक्ट ऑफ टोर्सो अगेंस्ट केमिकल फायर्स एंड अदर हैजर्ड्स एज वेल एज ग्लव्स एंड सेफ्टी शूज दैट प्रोटेक्ट द हैंड्स एंड फीट फ्रॉम द वेरियस इंसिडेंट। जो बाकी पीपीई है जैसे हार्ड हैट है, ग्लासेस है, क्लॉथिंग है जो आपको केमिकल और आग से बचाती है, ठीक है, ग्लव्स हो सकते हैं, सेफ्टी शूज हो सकते हैं, ये आपने लाजमी पहने, ये मैंडेटरी है, ये लाजमी पहनने पहने आप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पीपीई इन कन्फाइंड स्पेसेस इज अ रिस्पायरेटर, रिस्पायरेटर लाजमी आपने यूज करना है, ऑल अदर स्पेसेस मस्ट बी फिट टेस्टेड प्रायर टू यूज, पहले आपने इसको टेस्ट करना है और आपने देखना है ये फिट होना चाहिए मुकम्मल तौर पर, ठीक है। क्लीनिंग द रिस्पायरेटर आफ्टर ईच यूज विल हेल्प डिसइंफेक्ट, आपने रिस्पायरेटर को क्लीन करना है इस्तेमाल के बाद ताकि वो किसी आपको डिसइंफेक्ट ना कर दे। बिफोर ईच यूज ऑफ रिस्पायरेटर इट मस्ट बी इंस्पेक्टेड, इस्तेमाल से पहले आपने इसको इंस्पेक्शन करनी है, फिर आपने अगर वो आप कहीं जाते हैं क्रैक्स होल्स लगते हैं साइन ऑफ ईयर तो आपने इसको दोबारा इंस्पेक्शन करनी है उसकी। सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपैरेटस मे बी रिक्वायर्ड टू एंटर सम कन्फाइंड स्पेसेस और टू परफॉर्म अ रेस्क्यू, ये कुछ कन्फाइंड स्पेसेस में आपको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। देर आर स्पेशल गाइडलाइंस डेट मस्ट बी फॉलोड प्रायर टू वियरिंग एन SCBA, इसके लिए आपने गाइडलाइन लेनी है, देखना कि कैसे इसको पहनना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू वियर अ सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपैरेटस अ रेस्क्यूअर would have to provide a respiratory clearance or physician approval prior to wearing a SCBA. अगर आपने SCBA पहनना है तो आपको उसके लिए पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्लीयरेंस होनी चाहिए तक, और फिजिशियन से भी आपने इसकी इजाज़त लेनी है पहनने की। आफ्टर रेस्पायरेटरी क्लीयरेंस रेस्क्यूअर वुड हैव टू बी फिट, और इसको क्लीयरेंस लेने के बाद आप फिट हो जाएंगे उसको पहनने के लिए, और टेस्ट फॉर SCBA यूनिट और SCBA का आपने टेस्ट भी लेना है। इसमें क्या वॉश सिलेक्शन टाइप स्टाइल, इसके आपने टाइप्स देखनी है, स्टाइल देखनी है, इसकी कमियां देखनी क्या क्या है और किस लिए यूज होता है ये देखना आपने। आई हैव सिलेक्शन मेड बाय क्वालिफाइड पर्सन, और आपने क्वालिफाइड पर्सन से रहनुमाई लेनी है, वो आपको बताएगा कि कौन सी सिलेक्शन करनी है आपने। आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन करनी है और कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है जी। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, रेडियोस, रेडियो से कर सकते हैं, लाइफ लाइन कर सकते हैं आप उससे, ठीक है। हैंड सिग्नल, लाइफ लाइन का मतलब कोई आप रोप वगैरह हो सकती है उसको आप ऐसे हिलाएंगे तो वो पता लगेगा यार कि एक पुल करेंगे तो पता लगेगा एक ओके है, दो करेंगे तो उसका मतलब कोई मसला नहीं है, टेकअप का मतलब कोई प्रॉब्लम है, अलर्ट रहे, हेल्प का मतलब मेरी हेल्प करें। हैंड सिग्नल, हाथ से इशारा कर सकते अगर आप उन्हें नजर आ रहा है, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन कैसी, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी इसकी, जवाब दे कैसे होगा, नेम ऑफ अटेंडेंट, अंदर कौन गया है, नेम एंड नंबर ऑफ एंट्रेंस, कितने बंदे अंदर गए हैं, उनके नाम क्या है, उनके टाइम इन और आउट, स्पेस, टाइम ऑन एंड ऑफ एयर, ये चीज़ें इसमें काउंट होंगी। लेट्स टेक अ लुक ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम कैसे हम लोग काउंट करेंगे, रिस्पॉन्स टाइम किसने, इसके लिए, ये रेस्क्यू टीम के लिए उसकी बात करें। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन कब हुआ है,
उसका टाइम कनेक्ट, कॉन्टैक्ट टाइम, आपने उसके कॉन्टैक्ट कब किया ये देखना है, रिस्पॉन्स टाइम आपने रिस्पॉन्स कब किया, और असेसमेंट, असेसमेंट कितनी देर में कर लिया आपने, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में कितने टाइम लगा, और रेस्क्यू कितनी देर में कर दिया आपने, ये चार पांच चीज़ें आपने चेक कर ली है। रिएक्शन टाइम, टाइम बिटवीन द इंसिडेंट हैविंग अ प्रॉब्लम रिक्वायरिंग रेस्क्यू एंड सेफ्टी अटेंडर रिक्वायरेशन दैट द एंट्रेंस हैज अ प्रॉब्लम। सेफ्टी अटेंडेंट ने को पता लगा कि अंदर प्रॉब्लम चल पड़ी है, कोई मसला हो गया है, उस तब से ये रिएक्शन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट टाइम, द टाइम टेकन बाय अटेंडेंट टू कॉन्टैक्ट द रेस्क्यू टीम, और आपने अटेंडेंट ने जब रेस्क्यू टीम से कॉन्टैक्ट किया है तो वो कॉन्टैक्ट टाइम होगा। रिस्पॉन्स टाइम, द टाइम टेकन बाय रेस्क्यूअर्स टू अराइव एट द सीन ऑफ द रेस्क्यू आफ्टर कॉन्टैक्ट, द टाइम टेकन बाय रेस्क्यूअर्स टू अराइव एट द सीन ऑफ द रेस्क्यू आफ्टर कॉन्टैक्ट। रिस्पॉन्स टाइम, ये उस टाइम जब रेस्क्यूअर ने वहां पहुंच चुके हैं उसको करने के लिए रेस्क्यू। असेसमेंट टाइम कौन सा होगा, टाइम टेकन बाय रेस्क्यू टीम टू साइज अप द प्रॉब्लम एंड डिटरमिन टू द स्ट्रेटजी टू परफॉर्म अ सेफ एफिशिएंट रेस्क्यू। जब रेस्क्यू टीम ने आके असेसमेंट शुरू कर दी कि कितनी टाइम में हम इसको रिकवर कर लेंगे और क्या उसका अमल और कैसे प्लान करना है, उन्होंने वो असेसमेंट टाइम होगा। प्रिपरेशन टाइम, कितनी देर में उन्होंने प्रिपरेशन की है, ये टाइम काउंट होगा। रेस्क्यू टाइम, कितनी टाइम में उन्होंने रेस्क्यू कर लिया इस बंदे को, ये भी टाइम काउंट होगा। रोल्स क्या है जी, रिमेंबर दैट द सेम रोल अप्लाई इन कन्फाइंड स्पेस, रेस्क्यू दैट अप्लाई इन नॉर्मल कन्फाइंड स्पेस एंट्री। रोल क्या है जी, एंट्री सुपरवाइजर होता है, एक अटेंडेंट होता है, एंट्रेंट प्राइमरी होता है, एंट्रेंट स्टैंड बाय होता है, ठीक है। एंट्री सुपरवाइजर ने उसको सुपरवाइज करना है, अटेंडेंट जो उसको अटेंडेंस लगाएगा, एंट्रेंट जो बंदा एंटर जाएगा, और बाहर जो खड़ा है उसको जो के करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, या आप कह सकते हैं कि बैक टू बैक होगा उसका। विद इन अ कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू देयर इज एन एडिशनल रोल दैट इज असाइंड इंसिडेंट कमांडर, इंसिडेंट कमांडर की भी आपको जरूरत पड़ सकती है वहां। फेलियर क्या है जी, फेलियर में फेलियर टू अंडरस्टैंड द पहले एनवायरमेंट का पता नहीं लगा क्या है। एडिशनल मेडिकल इश्यूज नॉट कंसीडर, आपने मेडिकल इश्यूज को कंसीडर नहीं किया था, रेस्क्यू स्किल्स नहीं थे उनके पास, टीम वर्क नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था, अंडर एस्टिमेट कर लिया उन्होंने उस इंसिडेंट को। रेस्क्यू वर्स रिकवरी मोड नॉट कंसीडर, रेस्क्यू को रिकवरी के लिए नहीं कंसीडर किया गया। इक्विपमेंट नॉट मास्टर, इक्विपमेंट नहीं देखे गए उसके। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस, इस कन्फाइंड स्पेस के लिए परमिट की जरूरत है, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ साफ तरीके से। ऑलवेज फॉलो योर कंपनी परमिट प्रोसीजर दैट इवन यू आर की गोइंग इन और जस्ट अ सेकंड, अगर आपने इसको अंदर जाना है तो आपको परमिट लाजमी जरूरत है और उसके प्रोसीजर को फॉलो करना है। दिस इज कन्फाइंड स्पेस में भी ऑक्सीजन डेफिशिएंट और कंटेन फ्लेमेबल कंबस्टेबल और टॉक्सिक गैसेस और वेपर्स। इस कन्फाइंड स्पेस में हो सकता है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो सकती है क्योंकि उन्होंने रेस्पिरेटर पहना हुआ है ऑलरेडी, फ्लेमेबल हो सकता है, दैट्स द एटमॉस्फेयर इन दिस ऑर्डर, ऑक्सीजन कंटेंट देन फ्लेमेबल द टॉक्सिक एंड अदर हैजर्ड। आपने क्या करना है, एटमॉस्फेयर को आपने टेस्ट करना है पहले, उसके अंदर जाने से पहले, वो फ्लेमेबल हो सकते हैं और टॉक्सिक भी हो सकते हैं। टेस्ट एटमॉस्फेयर एट द लेवल ऑफ कन्फाइंड स्पेस, गुड एयर नियर टू द ओपनिंग डज नॉट मीन गुड एयर एट द बॉटम। हो सकता है ऊपर मसला ठीक है लेकिन दरमियान में ठीक नहीं है और एंड पे तो बंदा मार सकता है, तो लिहाजा ये नहीं है कि आपने ऊपर का चेक करके देखना कि ठीक है जो ओके हो गया, आपको नीचे तक चेक करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी। द एटमोसफेयर इन साइड अ कन्फाइंड स्पेस मे नॉट बी सुटेबल फॉर एंट्री। हो सकता है कि वो एंट्रेंस जो उसकी है एटमोसफेयर की वो सुटेबल ना हो, ये भी हो सकता है। फोर्स एयर वेंटिलेशन में भी यूज बट यू आर नॉट परमिटेड टू एंटर। आपने वेंटिलेशन लाजमी देखनी है उसकी, ठीक है, और अगर वहां ठीक नहीं है तो फिर आपको जरूर आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। एटमोसफेयरिक कंडीशन में भी चेंज वैन वाइल यू आर इन कन्फाइंड। हो सकता है कि आप अंदर काम कर रहे हैं तो एटमोसफेयर चेंज हो सकती है, H2O गैस लीक हो सकती है, वहां से कोई भी मसला हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, तो आप उसको पीरियडिकली चेक करते रहे एटमोसफेयर को। If a worker must wear a respirator, remember that an air profiling respirator will do nothing in oxygen deficient atmosphere. These workers are wearing air supply
एस्पायरेटर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और हो सकता है कि अगर आपने एस्पायरेटर पहना हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो एयर को प्योरीफाई करे वहाँ, ठीक है ना, और ना वो एटमोसफेयर से कुछ कर सकता है। इसके लिए आपको वर्कर्स को एयर सप्लाइंग एस्पायरेटर की जरूरत हो सकती है इन केस ऑफ अगर ऑक्सीजन कमी है वहाँ। इल्यूमिनेशन शुड बी प्रोवाइडेड वे लाइटिंग इज लिमिटेड। आपको प्रॉपर तरीके से इल्यूमिनेशन की जरूरत है जहाँ लाइट कम है, ठीक है। इन केस एक्सप्लोजन प्रूफ लाइटिंग में भी नेसेसरी, आपको लाइटिंग की जरूरत पड़ सकती है एमरजेंसी लाइटिंग की। सम कन्फाइंड स्पेस कैन कंटेन मिक्सिंग और क्रशिंग मैकेनिज्म और अदर हैजर्ड दैट कैन बी टर्न और इंजर वर्कर। यूज लॉकआउट टैगआउट ऑन ऑल हैजर्डस आइटम। कुछ ऐसे मैकेनिकल आइटम्स हो सकते हैं जो कि आपको क्रश कर सकते हैं, ठीक है, मशीन मैकेनिकल मशीन जो होती है आपके लिए खतरा हो सकती है, आपको इंजर्ड कर सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लॉकआउट टैगआउट की जरूरत महसूस होगी। इट इज पॉसिबल डेट फॉर अ वर्कर टू बी ओवरकम बाय अ सडन चेंज इन एटमोसफेयर कंडीशन। ये भी हो सकता है कि अचानक चेंज हो जाए एटमोसफेयर और मसला बन जाए, तो इंश्योर डेट रेस्क्यू प्रोसीजर इज इन प्लेस। और आपने इंश्योर करना है कि आपको रेस्क्यू वहाँ है और आप उस बंदे को इमीडिएटली वहाँ से निकाल दें। द रिजर्व पिट इज परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल टू कंटेन अ हैजर्डस एटमोसफेयर एंड टू ड्रॉन अ वर्कर। वर्कर ज्यादा डूब भी सकता है। इस पिट के लिए लाजमी है कि आपको परमिट वर्क चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हैजर्ड्स हैं और हैजर्ड्स जो है वो खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों आपने आज का लेक्चर देखा, आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। मेरा ईमेल एड्रेस आपके सामने info@thebest-global.com वेबसाइट है हमारी, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप अगर कोई मैसेज वगैरह करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं मुझसे। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर लेकर इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।